Hello friends, right now we are going to learn proverbs. Proverbs will help you to speak English very fluently. जैसे आप सब लोग जानते भी होंगे कि proverbs हो या फिर idiom and phrases हो या फिर phrasal verb हो, ये सब चीज आपका जो spoken English है इसको बहुत अच्छी तरीके से enhance कर देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस्ड हो, जो आप बोले तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा कुछ सीख के आ रहा है, मतलब अच्छा खासा अच्छे तरीके से बोल रहा है, तो आप प्रोवर्ब्स को, इडियम एंड फ्रेजेस को और फ्रेजल वर्ब को भी सीखिए, ताकि एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे तरीके से। और जैसे आप कभी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ रीडिंग कर रहे हो, सही सुन रहे हो, तो अगर आप प्रोवर्ब्स नहीं जानते या फिर अगर आप इडियम्स नहीं जानते हैं, फ्रेजल वर्ब्स नहीं जानते हैं, तो आपको हो सकती है कि किसी सेंटेंस से आके या फिर किसी स्टेटमेंट का अंग्रेजी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो इसके लिए आप लोग प्रोवर्ब सीखिए, इडियम एंड फ्रेजेस सीखिए, फ्रेजल वर्ब सीखिए। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रोवर्ब्स। सो नाउ विल सी द फाइव प्रोवर्ब्स। अब हम लोग पांच प्रोवर्ब को अभी देखेंगे जो कि बहुत अच्छी है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अब आप लोग जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स लिखा हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आपको कहना हो जैसी करनी वैसी भरनी, आप कहेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। अगर आपको कहना हो अपना अपना पराया पराया, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, दान में मिली बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, हम सब लोग कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, आप उसको से आएंगे। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, नॉन अगर न तेरा उधार, क्या कहेंगे नॉन अगर न तेरा उधार, यानी कि अ बर्ड इन द हैंड इज वॉट टू इन द बश, अ बर्ड इन द हैंड इज वॉट टू इन द बश, इस तरीके से आप लोग बोलेंगे। आई होप आप लोग देख सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं और इसका नोट भी आप लोग बना सकते हैं। आई होप यू कैन सी दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इट। और एक और बात, आप इन सारी चीज़ों को जो सीख चुके हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए अपने साथ। अब जब आप लोग बोल रहे होंगे अंग्रेजी, तो उस समय कुछ प्रोवर्ब्स को बोला कीजिए, ताकि ये आपके जुबान पे आ जाए और आप इसको जब भी आप बातचीत कर रहे हो तो आसानी से आपको ब्रेन में ढूंढना ना पड़े कि मैं कौन सा प्रोवर्ब यहाँ पे बोलूँ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, ऑटोमेटिक ये आपके जुबान पे आता चला जाए और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते चले जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज आप लोग को और मिलती रहे। एंड होपफुली आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू स्टडी योरसेल्फ एंड प्रॉस अप योरसेल्फ।